नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अवार्ड से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट टू रहने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट वन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो सर्वप्रथम मिला था देविका रानी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किस संस्था के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में? तो ये आपको पता होगा, दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन नहीं था। ठीक है, तो जो जेमिनी गणेशन थे उनको ये पुरस्कार नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? कितनी बार? 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है वाल्ट डिज्नी ने, कई बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है? फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स AR रहमान को पहली बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं तो यह भी मैंने बताया है विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो कलिंग पुरस्कार फ्रेंड्स दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? बताइए कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह भी मैंने आपको बताया है, ये दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर होगा कलिंग पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अगर आप प्रैक्टिस सेट के रूप में लगा लेते हैं तो आपकी GK की तैयारी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और GK आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है तो डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दिया जाता है फिलीपींस के सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से संस्था देती है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है फिलीपींस की सरकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है आचार्य विनोबा भावे, मैग्सेसे पुरस्कार से प्राप्त करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये अभी आपको मैंने बताया है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार तो ये दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 57, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार तो ये दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 59 है, लारियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो लारियस पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स खेल के क्षेत्र में, ठीक है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, ठीक है, और इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूले। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बोरलॉग पुरस्कार, ठीक है, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो सरस्वती सम्मान का संबंध खेल से नहीं है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? सरस्वती सम्मान का साहित्य से है। क्वेश्चन नंबर 62, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेलकूद से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और आपको अगर इस वीडियो से फ़ायदा होता है रियली और आपके लिए जीके बहुत इजी हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।